उधर उधर मिट्टू पे डाल। चिकन चाउमीन, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग जी। तो जामपुर का व्लॉग आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। 4-5 दिन का स्टे किया था वहाँ पर हमने, और अब ये वापसी का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। संडे वाले दिन हम लोग वापस आ गए थे क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हो गई थी जी ख़त्म। एक वीक की मैंने छुट्टी ली थी बच्चों की, और पढ़ाइयों का बच्चों का बड़ा ही हर्ज हो रहा था। तो खैर, जितने दिन भी आप लोग रह लें, वापस तो घर ही आना होता है। तो सुबह सुबह हम लोग नाश्ते के बाद वहाँ से निकले थे, और तकरीबन ये 1-1.5 बजे का टाइम है। नाश्ता करते भी टाइम लग गया था बच्चों को। रास्ते में फिर बच्चों को लग गई थी जनाब भूख, और मुझे ये पता था कि घर जाके तो मुझे ही बनाना है कुछ ना कुछ, इसलिए हम लोगों ने रास्ते में ही स्टे किया थोड़ी देर, और खाना वाना बच्चों के साथ खा लिया। बहुत ही अच्छा ये होटल है, मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे गई हूँ, जैतून होटल के नाम से। बहुत ही अच्छा मज़े का यहाँ पे खाना था, और सबसे अच्छी जो इनकी बात थी ना, वो ये था कि नीचे बैठकर इन्होंने लगाए हुए थे सारी सिस्टम जो बनाया हुआ था इन्होंने, नीचे का बनाया हुआ था। टेबल्स लगाई हुई थी नीचे, और सिटिंग एरिया बनाया हुआ था नीचे। तो बहुत ही मज़ा आया वहाँ पर बैठ के खाना खाने का। खाना वाना खाया हमने और ख़ूब इंजॉय किया, और वापस अपने घर मुल्तान रवाना हुए। उधर उधर मिट्टू पे डालो। जी तो घर वापस आते ही काम की भरमार शुरू हो गई थी। ये सेकंड डे का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सेकंड डे के क्लिप्स हैं ये। दूसरे दिन सुबह सुबह मेरी मेड आ गई थी, सारी धुलाई वगैरह उससे मैंने करवा ली थी कपड़ों की, और ये सोफ़ों के कवर भी ख़राब हुए हुए थे ये भी साफ़ करा लिए थे। एक वीक के लिए मैं गई थी, लेकिन वापस जब मैं आई तो घर इतना ख़राब था ना, इतनी मिट्टी थी जैसे कि कभी कोई रहता ही ना हो यहाँ पर। तो खूब सफाई वगैरह करवाई घर की, खूब साफ़ सुथरा घर करवाया, और सारी चीज़ें अनपैक की, बैग वगैरह अपनी जगह पे रखे, सब कुछ समेट के घर की रूटीन वापस से स्टार्ट कर दी जी। ये धुलाई हो चुकी है, कपड़े सारे धुले हुए हैं, इनको अब मैं समेटूंगी और सोफ़ों के कवर चढ़ाऊंगी। और सफाई देखें, ये तकरीबन सफाई सारी कंप्लीट हो गई है। मेट मेरी सुबह सुबह आ गई थी, और साफ़ सुथरा घर हो गया था, और मुझे बड़ा ही सुकून मिलता है जब घर साफ़ सुथरा हो जाए तो ज़हनी सुकून मिलता है, और घर में काम करने का भी बड़ा ही मज़ा आता है फिर। ये देखें किचन वगैरह सब कुछ तकरीबन साफ सुथरा हो गया, घर की पूरी डीप क्लीनिंग हो गई थी, और अब स्टार्ट करते हैं जी खाना पकाना और अपनी डेली रूटीन में वापस आते हैं। नाश्ते के बाद हल्की फुल्की भूख के लिए मैंने कहा थोड़े से फ्रूट वगैरह खा लेती हूँ, और उसके बाद फिर घर के काम स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, दिल बड़ा ही बोझल था क्योंकि अम्मी अब्बू को, बहन भाइयों को छोड़कर आना बड़ा ही मुश्किल होता है, और दिल बड़ा ही उदास होता है। 2-3 दिन तक तो मेरा बिल्कुल भी घर में दिल नहीं लगता, और दोबारा से वही यादें आती हैं किस तरह से टाइम अच्छा से स्पेंड किया था हमने। तो बस दुआ यही है कि अल्लाह पाक अम्मी अब्बू को सलामत रखे, उनका घर उनका आंगन आबाद रहे खुशियों से, और अम्मी अब्बू के दम से ही सब कुछ है। सारे बहन भाई मिल बैठते हैं तो अम्मी अब्बू के साथ बड़ा ही मज़ा आता है। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए जी, घर का काम तो स्टार्ट करना ही था, दिल को लगाना पड़ता है घर में फिर से। तो खैर, आज मैं बना रही हूँ मिक्स दालें, और यहाँ पर मेरे पास जो भी दालें पड़ी हुई थी मैंने उनको मिक्स कर लिया है। चने की दाल है, और आई थिंक ये माश की दाल है छिलकों वाली, और साथ में ये मसूर की सुर्ख वाली दाल है।
तीनों दालों को मैंने मिक्स कर दिया है और इनको मैं हलीम स्टाइल में बनाऊंगी। मैंने बच्चों को भी यही कहा था कि मैं आज हलीम बना रही हूँ और साथ में मैं बनाऊंगी नान, तो बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। अदरवाइज़ मैं सिंगल कोई दाल एक दाल बनाऊँ तो बच्चे शौक़ से नहीं खाते, मिक्स करके बनाती हूँ तो वो बिल्कुल टेस्ट उनका हलीम की तरह से आता है और बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। अच्छा, दालें मैंने यहाँ पर भिगो कर छोड़ दी हैं, इनको थोड़ी देर रख दूँगी, उसके बाद जी इसको पकाएँगे। अच्छा जी, मैं बना रही हूँ आज नान, और नान के लिए मैंने एक कटोरी जो है ना वो आटे की यूज़ की है, सिंपल आटा जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेरे पास मैदा थोड़ा कम था तो वो मैंने एक कटोरी आटे की यूज़ की है, और साथ ही तकरीबन ये भी एक कटोरी के करीब ही है मैदा। इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है और ये फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ इस तरीके से, देखते हैं कि कैसे बनते हैं। आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये हो गया और इनको मिक्सअप करेंगे, और इसमें जो चीज़ें मैंने डालनी हैं वो आप लोगों के साथ मैं डालती हूँ सामने, और आप लोगों के सामने ही बनाऊँगी। अच्छा, इसमें मैंने शामिल किया था जी हाफ़ टेबल स्पून के करीब मीठा सोडा, साथ ही हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें डाला था बेकिंग पाउडर, थोड़ी सी चीनी शामिल करूंगी इसमें, इसके अलावा नमक अपने हिसाब से आप लोग शामिल कर लें, तो चुटकी नमक की मैंने इसमें डाली है, हाफ टेबल स्पून ही डाला है, तकरीबन हाफ टेबल स्पून से कम डाला है। अच्छा, एक अदद मैं इसमें डाल रही हूँ अंडा तोड़ के, ये शामिल करेंगे, और उसके बाद इसको गर्म पानी के साथ हम गूंद लेंगे अच्छे से, ऑयल भी शामिल करूँगी साथ। अच्छा, यहाँ पे मैं 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के शामिल कर दूँगी इसमें, बहुत अच्छे सॉफ्ट और मज़े के ये नान बने थे, बच्चों ने बहुत शौक से खाए थे। इसको अच्छे से मैं नीम गर्म पानी के साथ अब गूंद लेती हूँ और इसको साइड पे कर देते हैं। अच्छा जी, आटा मैंने गूंद के रख दिया, उसको थोड़ी देर हम रेस्ट देंगे, गर्म जगह पे रखेंगे, उसके बाद वो फूल जाएगा और उसके हम नान बनाएंगे। यहाँ पे मैंने दालें चढ़ानी थी और इसमें मैंने पानी शामिल किया है, दालें जो मैंने भिगो के रखी थी वो डाली हैं, लहसुन चॉप करके डाला है, नमक मिर्चें हल्दी डालूँगी और टमाटर डाल के इसको वेट लगा दूँगी। बस ये चीज़ें डालूँगी और वेट लगाने के बाद इसको जब ये गल जाएंगी फिर इसको तड़का लगाएंगे। चलिए जी, कुकर जो मैंने है उसको वेट लगा दिया था, और उसके बाद जब ये दालें जो हैं गल गई हैं, इसमें मैंने पानी और शामिल किया, वैसे वो गलने के बाद अच्छी खासी गाढ़ी हो गई थी। अच्छा, पानी शामिल करने के बाद मैं इसमें लेमन जूस थोड़ा सा शामिल करूँगी, और बहुत मज़े की ये मिक्स दालें बनती हैं और बच्चे बड़े ही शौक़ से मेरे खा लेते हैं। मैं उनको कहती हूँ हलीम बनाइए आज मैंने, तो बड़े खुश होते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं इसमें डालूँगी जनाब हरा धनिया, हरी मिर्चें, और ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया भगार, और लहसुन को मैंने जो है ना चॉप करके उसको ऑयल में गरम करके उसका मैंने तड़का लगा दिया है। जी जनाब, अब बनाते हैं हम नान, और ये अच्छा खासा फूल गया था जो आटा मैंने गूंद के रखा था, अब इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे और उसके बाद मैं इसको बनाऊँगी किस तरह से, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
अच्छा जी, नान बनाने के लिए मैंने ये वाला पैन यूज़ किया है। मेरे पास हल्का फुल्का सा बिल्कुल ये पैन है। इसकी बैक साइड पे मैं नान चिपकाऊंगी और बहुत ही अच्छे बन गए थे इस तरह से, क्योंकि मैं पहले तवे पर बनाती थी जब, तो तवे को जब मैं उल्टा करके उसकी सेकंड जो साइड है उसको सेकने के लिए उल्टा करती थी, वो तवे के बोझ से ही गिर जाते थे नीचे, क्योंकि तवा अच्छा खासा वज़नी होता है। तो मैंने इसको यूज़ किया तो इसके साथ बहुत ही अच्छे नान बने, क्योंकि इसको आराम से पलटा जा सकता है। और जो नान को मैं पानी लगा के इस पर चिपकाती थी, अच्छे से चिपक जाते थे और गिरते नहीं थे नीचे। अच्छा जी, एक साइड इसकी पक जाएगी और उसके बाद इसको उल्टा करके इस तरह से हमने दूसरी साइड से सेक लेना है। बहुत अच्छे फूल गए थे और बहुत मज़े के बने थे ये नान। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से, अगर आप लोगों के पास इस तरह का पैन है तो आसानी से नान बन जाएंगे इसके ऊपर। चलिए जी, ये एक साइड को, दूसरी साइड को हमने अच्छे से सेक लिया है और कितना अच्छा फूल गया है देखिए नान, बहुत ही मज़े का बना था। अब इसको उतार लेंगे हम और फटाफट से ये तैयार हो जाते हैं। उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम मक्खन, और ये दूसरा नान मैं आप लोगों को दोबारा बना के दिखा देती हूँ। अच्छे से पानी लगाना है इसके ऊपर और इसको इस तरह से इस पर चिपका देना है हमने। और उसके बाद जो जब आपको फील हो कि एक साइड आपकी पक चुकी है नीचे वाली, फिर इसको उल्टा करके आपने आग पे इस तरह से सेक लेना है। ये देखें जी, फाइनल लुक हमारे नान की, और बहुत मज़ेदार सॉफ्ट नरम बिल्कुल नान बने थे बच्चों ने, और हमने बहुत शौक से खाए। और साथ में ये हलीम स्टाइल में मेरी मिक्स दालें जो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, उसके ऊपर मैंने प्याज ब्राउन करके वो डाले हैं और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। बहुत ही मज़ेदार से ये नान और दालें हमारी बनी थी, ये हमने इंजॉय किया। और उसके बाद बाकी के सारे काम पड़े हैं करने वाले, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग्स में भी, और इस व्लॉग में भी आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ शेयर करती रहूँगी जी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, बाकी जो काम करने वाले हैं वो तो मैं करती ही रहूँगी साथ साथ। कपड़े वगैरह तह लगाती हूँ, जल्दी से अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ, और इंशाल्लाह ताला मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे व्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।